आदमी रोहित के कॉलेज का फ्रेंड है। मुझे रोहित को बताना पड़ेगा कि कभी मेरा एक्स हस्बैंड है। रोहित मेरी एक्स वाइफ से शादी कर रहे हैं? दूसरी बार कर रही हैं आप ये? जिस भी शादी में जाती है ना तोड़ के आती है। मैं ये रिश्ता खुद तोड़ रही हूँ। मेरी और मेरी मॉम से बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया, ले लिया ना बदला। जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना, जुबान से सिर्फ बददुआ निकलती है तुम्हारे लिए। सेतु तुम मेरी बात सुनोगी प्लीज? पलक तो यहीं रुक, जो भी कहना है इसके सामने को। I really love you, सेतु। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। You know what? I don't really care about anyone. तुम मेरे साथ चलो। We'll get married. हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म है जिसमें तुम हीरो और मैं हीरोइन हो और हम भाग के चले जाएं, we'll be happily ever after. रोहित, this is real life. Real life में भागा नहीं जाता। तुम आज मुझे ले जाओगे, we'll get married. But tomorrow you will resent me. छोटी छोटी बातों पर तुम मुझसे झगड़ा करोगे और धीरे 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 तुम मुझसे नफरत करने लग जाओगे। ये सोचोगे कि तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा, अपनों को छोड़ा। लिसन रोहित, तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड, तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है जिन्हें तुम पीछे नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं पीछे हट गई। यू हैव टू लीव। लीव प्लीज। I will always love you. अपना दिल तोड़ लिया ताकि उसका परिवार ना टूटे। इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया सेतु। I hope मुझे मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा ना करना पड़े। I don't think so, मैं किसी से इतना प्यार कर सकूंगी कि उसके अच्छे के लिए मैं उसको छोड़ दूं। तुझे भी किसी दिन ऐसा प्यार होगा जो इतना सेल्फिश होगा कि तुझे सेल्फलेस बना देगा। तेरे सामने अगर चॉइस होगी ना अपने प्यार को पाने की या फिर उसे खो के उसकी जिंदगी बनाने की, तो तू भी वो ही करेगी जो मैंने किया। तब तुझे रियलाइज होगा कि प्यार में सैक्रिफाइस करना कितना इजी होता है। कोई उठा क्यों नहीं अभी तक? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुझे से मिलने आई हूँ रिकी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। रिकी, रिकी तुझे बहुत बुरा लगा था ना जब मैं तुझे छोड़कर चली गई थी। बहुत कोशिश की मुझे बुलाने की पर बुला नहीं पाए। रिकी मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे कैसे बुला सकता है? आपको मालूम आपने क्या किया है? हाँ मालूम आपकी वजह से क्या क्या हुआ मेरी जिंदगी में, क्या बन गया हूँ मैं आपकी वजह से। अब आपकी जरूरत नहीं है मुझे। प्लीज प्लीज जाइए आप यहाँ से। प्लीज, यू मेस्ड अप माय लाइफ, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी। डन, आज रात की फ्लाइट टिकट बुक किया पापा। हाँ पलकू, तू फिर जा रही है मैनू छोड़ के? मम्मा मुंबई तो जा रही हूँ, काम से जा रही हूँ ना, आप मुझे रोज फोन कर लेना। पलक सच बता, ये जो तू इस बार मुंबई जा रही है ये प्रोजेक्ट के लिए जा रही है या वापस लौटने का इरादा नहीं है? कोई की पुत्र, तू दिल्ली छोड़ के जा रही है, वो भी हमेशा के लिए?
चीयर अप रोहित, जो हो गया उसे भूल जाओ। एग्जैक्टली ब्रो, प्लीज ऐसे मत करना। आई अंडरस्टैंड, तो दुखी है पर मैं भी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मॉम डैड थोड़ी ना गलत करेंगे तेरे साथ। यार वो सही कह रही है, मेरी भी तो शादी टूटी थी ना। एंड लुक एट मी राइट नाउ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे ना लग रहा है अच्छा हुआ तेरा पीछा छूट गया, यू शुड बी थैंकफुल। कम ऑन यार रीवा, कुछ तो सोच समझ के बोला करो, ये बात सेम नहीं है। सेम ही है अमन। कैसे? क्योंकि अभी अपसेट है, 5 दिन बाद खुश होगा। इससे अच्छा अभी खुश हो जाए, क्यों 5 दिन वेस्ट करने हैं, राइट? जस्ट बी हैप्पी। एग्जैक्टली यार, उसके बाप ने जब साइन करने से मना कर दिया था तो मेरा तो मन किया उसी वक्त रिश्ता तोड़ दूं, लेकिन खैर शुक्र है अपने आप हमें ये बहाना मिल गया, बच गया अपना मुंडा। ठीक है साहब, अरे बच्चों आ जाओ, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने कहा ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बच्चों आ जाओ। अमन को लो, चलो गो इधर, गो 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 फास्ट फास्ट। रोहित, रिक्की ठीक कह रहा था, वो मंजीत और उसकी बेटी वो दोनों मिले हुए थे। याद है ना, याद है कि समर को भी इन लोगों ने कैसे फंसाया था? मेरी बात मान ले, तू तो बच गया। शुरू से इन दोनों की नजर हमारे घर के सारे बच्चों पे थी। पैसे वाले घर के बच्चों को फंसाने का इनका एजेंडा है। तो सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? रोहित, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं चाय, खाने में क्या बनाऊं? कौन पागल है यार? हाय ऋत्विक। ऋत्विक। ओए रोहित, क्या हुआ? वाह, यहाँ बैठा है तू। तुझे क्या लगता है बे, तू मेरी शादी तोड़ के हीरो बन जाएगा? क्या समझता है तू अपने आप को, और क्या सोच के कर रहा था इसमें? तुझे कुछ पता है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है? चिल्ला ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, तेरे लिए कर रहा था जो कर रहा था, समझा? तुझे सच्चाई दिखाना चाहता था। तू मुझे सच्चाई दिखाना चाहता था? हाँ, ये मेरे बारे में कभी था ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में और उस पलक के बारे में था। What? तुझे उससे प्रॉब्लम है और उसका गुस्सा तूने मेरे रिलेशनशिप पे निकाला है ऋत्विक। तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सेतु उसकी दोस्त है और मुझसे शादी कर रही है? ब्रो कुछ भी मत बोल। Shut up। मैं जानता हूँ तेरे लाइफ के इश्यूज, तुझे लगता है हर लड़की तेरे दौलत के पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है। तू जानता नहीं है सेतु को, मैं जानता हूँ, बहुत ही सच्ची लड़की है। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, गलती मेरी है, लेकिन ना तूने उसका फायदा उठाया। तूने मेरी बात ना सुन के उस कबीर की बात में यकीन था तुझे, जो 6-7 साल से हमें मिला नहीं, कॉलेज के बाद दिखा नहीं, 2 मिनट में कुछ बोला उसने और लग गई चिंगारी। उसके बाद तुझे गलती सिर्फ पलक और उसके मॉम की लग रही है। पहले अपने कानों से सुन के उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में, समझा? क्यों रखा था समर को अपने घर पे, अच्छी तरह से जानता हूँ। गोल्ड डिगर्स ब्लडी, ठीक है माँ ऐसी बेटी नहीं है ना, तेरी बहुत अभी सहेली बनी हुई है आजकल। पैसे ऑफर किए थे मैंने इसे टेस्ट करने के लिए, क्या करेगी? एंड शी टुक इट ब्रो, शी टुक इट। थैंक मी फॉर व्हाट आई हैव डन फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन तू भी एक बात सुन ले, उसने पता है वो पैसे को क्या किए? उसने मंदिर में दिए, क्योंकि तूने मन्नत मांगी थी कि अगर ये दवाई अप्रूव हो जाए तो 100 लोगों को खाना खिलाएगा, याद है? ओ तुझे कैसे याद होगा यार, तुझे याद ही नहीं होता, तुझे बदले लेने होते हैं ना, लेकिन उसे याद है। उसने तुझसे पैसे लिए, तेरे नाम की मन्नत पूरी की है उसने। हाँ, उसने कहा तू मान गया तो जाना। एक काम कर, जा मंदिर में पूछ ले, मैं चलूँ तेरे साथ प्रूफ के लिए, चल। और रही बात मंजीत आंटी की, वो सिर्फ अपना काम कर रही है, वो है मैच मेकर। लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दिखाओ हमें एक अच्छे घर का लड़का दिखाओ, और वो दिखाती, गलत क्या है? तूने मुझे झुटलाया, सेतु को झुटलाया। आई रियली लव्ड हर मैन, आई रियली लव्ड हर। तुझे पता है वो बात नहीं कर रही मुझसे? क्या बोलूं यार तुझे? रोहित, तुझे रिकॉर्ड तेरे दिमाग में अटका है ना कि सारी लड़कियां तेरे पैसों के पीछे है, गोल्ड डिगर्स, ये सिर्फ तेरे दिमाग में। गोल्ड डिगर, वी नीड टू टॉक। कल जिस तरह से तुमने उस लड़की पलक और उसकी माँ से बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दैट वाज डाउनराइट रूड। मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया। ऋत्विक, मैं नहीं जानती कौन सही है कौन गलत,
ये शादी किसकी वजह से टूटी, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं हमेशा से ये मानती थी कि ऋत्विक को सही और गलत की पहचान है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम अपने अतीत को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। ऋत्विक, अतीत में रहकर तुम आज अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। सुन विवेक, तुझे वो कबीर याद है? कबीरू, कबीर सांगवी, कॉलेज वाला? हाँ, वो जो बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया था। हाँ, ऑफ कोर्स याद है। In fact, I know everything about him. क्या हुआ? उसकी शादी हुई थी। हाँ, there was this girl, some वर्मा, सेतु वर्मा। हाँ, उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता करानी थी। प्लीज आप लोग लड़ना मत और टाइम से खाना खाना। पापा रोज मम्मा को वॉक पे लेके जाना है। ओके, फोन करना मुझे। है पुत्र, और बोल रहे, और ये जरा मुस्कुराती रहना बेटा, ऐसा सैड चेहरा लेकर जाएगी तो कोई भी लड़का ना तुझे पसंद नहीं करेगा। बस करो ना ये सब। पलक, टेक केयर मेरे बच्चे। अच्छा, अब आप लोग निकलो। हाँ प्लीज। हाँ हाँ, चलो जी, चलो चलो। प्लीज मत जाओ, डोंट गो। तू ये सब सोच रही है पलक? वो यहां नहीं है। पलक रुको, नहीं पलक, तू पागल हो गई है। तुझे उसे भूलना होगा, यू हैव टू मूव ऑन। प्लीज मत जाओ। क्यों क्यों रुकूं मैं यहाँ पे? सेतु के खातिर। पलक, मैंने अपने गुस्से के आगे अपनी नफरत की वजह से पता नहीं क्या क्या कर दिया। मेरी मॉम की वजह से मुझे लगता है कि सब औरतें मेरी मॉम, मतलब जिन्होंने मुझे पैदा किया था, वो बचपन में मुझे छोड़ के चली गई थी। तब डैड के पास कुछ भी नहीं था और उन्हें एक अमीर हस्बैंड चाहिए था। उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। She just went। मैंने सोचा कि अगर एक माँ अपने बेटे को सिर्फ पैसों के लिए छोड़ सकती है तो I was too young। मैंने सब औरतों को उसी नफरत की नज़रों से, धोखे की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने तुम्हारी मॉम को बात करते हुए सुना, उनका ऑब्सेशन देखा रईस लड़कों के लिए, तो वही सारी मेमोरीज, वही सब कुछ वापस आ गया और मैंने उन्हें अपनी मॉम के साथ कंपेयर करते हुए मिसअंडरस्टैंड कर लिया, उन्हें गलत समझ लिया। I shouldn't have।
That Kabir, मैं जानता हूँ उसने सेतु को बहुत ill treat किया है, बहुत मारा है. He's रोहित और सेतु के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है. और जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, मैं पलक में ये अकेला नहीं कर सकता. इन दोनों को साथ लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है. प्लीज मेरी मदद कर दो. मुझे नहीं पढ़ना इन सब के बीच में. सेतु डिजर्व्स बेटर, पर मेरी फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ. तुमने भी तो कभी किसी से प्यार किया होगा. एक पल के लिए कभी किसी के लिए कुछ तो फील किया होगा. अगर तुम्हारा कभी दिल टूटा होता ना, तो तुम्हें पता होता कि कितना आसान है रिश्ता तोड़ के भाग जाना. लेकिन वहां रह के रिश्ते निभाना, उसमें हिम्मत लगती है. रोहित और सेतु के बीच में मैं आया हूं और अब तुम्हारी मदद मांग रहा हूं. इन दोनों को मिलाने में मेरी मदद नहीं करोगी तुम? जिस रिश्ते को जोड़ने की बात वो कर रहा था, न जाने हम उसमें कामयाब होते या नहीं, पर उसकी बातों से थोड़ी सी हिम्मत मुझ में आ गई थी और उसी हिम्मत में मैं पलट गई. पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कदम लौट के एक ऐसे सफर पर चलने लगे थे जिसका रास्ता मुझे नहीं पता था. मैं एक अनजान रास्ते पे बिना सोचे बिना जाने चल पड़ी थी, जो रास्ता सीधा ऋतिक तक पहुंचता था. मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, आई विल कैंसिल इट. पर मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ. वो क्या है ना, तुम्हें गलतफहमी बहुत आसानी से हो जाती है कि लोग तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे आगे पीछे. सो जस्ट टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, मैं यहाँ सिर्फ सेतु के लिए रुक रही हूँ, क्योंकि उसने अपना प्यार खोया है एंड आई डोंट वॉन्ट दैट. इसलिए नहीं क्योंकि रोहित के पास पैसा है, और रोहित के लिए भी क्योंकि उसने कभी सेतु को जज नहीं किया. एक लड़की को एक लड़की से प्यार हुआ और बस, ना कुछ सोचा ना कुछ कैलकुलेट किया, बस प्यार किया. ठीक है, तुम प्यार के लिए करो, मैं दोस्ती के लिए. गुड, तो हम क्लियर है. अब हमें बिना टाइम वेस्ट करें रोहित और सेतु को मिल पाना है एंड दैट्स इट. ओके, तो कार में डिस्कस करें. आई विल ड्रॉप यू होम. नो, आई विल गो बाय कैब. कैब इस वक्त? इट्स नॉट सेफ. तुम्हारे साथ भी कुछ खास सेफ नहीं हूँ. लिसन, आई नो कि तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा आदमी, विच इज़ फाइन, लेकिन एक अनजान दुश्मन से एक जाना पहचाना दुश्मन बेटर होता है. जितनी नफरत करनी है मेरी गाड़ी में कर लेना. इस वक्त इस लोनली रोड पे आके क्यों खराब हुई है? तुम्हारा मर्डर करने का प्लान है मेरा. गॉट इट? मैकेनिक नहीं हूं और ये गाड़ी है, खराब हो जाती है. घर फोन कर दिए, दूसरी गाड़ी आ रही है. चिल. और तुम ना रोहित और सेतु के बारे में सोचो, क्या करना है. सेतु इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, वो भी जिद्दी है बिल्कुल तुम्हारी तरह. तुम्हें बताओ ना, तुम जैसे जिद्दी लोगों का क्या इलाज है? ये सारी प्यार वाली किताबें तुम पढ़ती हो ना, 7 स्टेजेस ऑफ लव, तो बताओ सेपरेशन के बाद वाली स्टेज कौन सी होती है? और वैसे भी अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम्हें मुंबई जाने से क्यों रोका मैंने? हाँ तो क्यों रोका, खुद ही कर लेते सब कुछ. आ गई गाड़ी, चलो. शादी वाले रब जी, बस आप ना जल्दी जल्दी एक पूरी शादी करा दो बिना टूटे फूटे, हैं? तो
मैं ना अगली दो शादी फ्री में करवाऊंगी जी। फ्री में? पर उसमें तो आपका ही लॉस हो जाएगा यार। हाँ ना पुत्र, मतलब नो प्रॉफिट। चल चल अब जल्दी कर, वो डाल जल्दी से, तू बिस्कुट लेके आ, ठीक है? मैं लेकर चलती हूँ, जल्दी आई है। हाँ जी। ओ पुत्र तेरा फोन बज रहा है। आई। हाय। हाय, सेतु से बात हुई? नहीं, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। रोहित से कुछ बात हुई? रोहित वो तो मजनू बना फिर रहा है यार। I don't think उसे मनाने की जरूरत पड़ेगी। बड़ा मैंने उसे बात की नहीं है क्योंकि इतनी आसानी से ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होने वाली। We'll have to make up a plan। सोचती हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। तुम हाई तेरा बिना सोचे समझे काम नहीं करती मैं। Excuse me? क्यों? शादी तोड़ने के टाइम तुम्हें बड़े आइडियाज आ रहे थे, अब क्या हुआ? ब्लैंक? हाँ तो ठीक है ना, अगर मैं ब्लैंक हूँ तो तुम सोच लो कुछ। और वैसे भी मैंने रिसर्च किया, मैंने कुछ पुरानी हिंदी फिल्मों के प्लॉट्स निकाले हैं जहाँ पर ऐसी सिमिलर सिचुएशंस थी, अलग अलग क्लाइमेक्सेस हैं। आई कैन ईमेल इट टू यू। तुम ना रहने दो, मैं ही सोच लूंगी। ओए पलकू पुत्र हाले भी फोन पे है, बेटा बिस्किट ले आना। जी, आई विल कॉल यू लेटर, बाय। अरे इतना अच्छा आइडिया था यार। मैं सच कह रहा हूँ जी, मुझे नहीं लगता कि डिवोर्स का कोई इशू था। मिस्टर पुरी चाहते थे कि मैं उनकी इलीगल जमीन के कागजों पर साइन कर दूँ। यहाँ मैंने साइन करने से मना किया और वहाँ उन्होंने सेतु के डिवोर्स का इशू बना के शादी तोड़ ली। मंजीत भाभी जो अगर मैंने साइन कर दिया होते ना तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। सेतु को पता है बात? ऑलरेडी पहले से लड़की इतनी परेशान है, उसे और क्या क्या बताऊं? वक्त आएगा तो वो भी बता दूंगा। मतलब सेतु को सही रीजन ही नहीं पता, बहुत नाइंसाफी है। उसके बेस्ट हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ये दोस्ती जो है ना इनकी, दोस्ती से ज्यादा हो गई ना तब तो दरवाजा भी नहीं दिखा पाएगी। अमीर लोगों को लगता है कि सब उनके पैसों के पीछे, पर एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं। और नाम दूसरों का बदनाम होता है। सेतु पैसों के पीछे नहीं थी, कोई और था। और प्लीज ये बात तुम रोहित को मत बताना।